नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। करेली थाना अंतर्गत दरमियानी रात मोहत बस्ती के बीच आने वाली मौजा गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। आपको बता दें कि घर से चारा काटने के लिए निकली महिला शाम तक घर नहीं पहुंची। बच्चों के द्वारा पता चला तब घर वालों ने आनन फानन में मोहल्ले वालों के साथ मिलकर खोजने की कोशिश की। तभी महिला के द्वारा काटा हुआ चारे का गट्टा मिलने से आशंका जताई कि महिला यहीं आसपास कहीं होगी। मोबाइल की टॉर्च से देखा तो खेत में महिला का शव खेत में पड़ा मिला। तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लाश को अपने कब्जे में लेकर तहकीकात जारी की। करेली थाना निरीक्षक अखिलेश मिश्रा की प्रथम दृष्टया अनुसार महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। महिला के पति दीपक जाटव के बताया अनुसार महिला को खोजते समय एक अज्ञात व्यक्ति गन्ने के खेत में भागता हुआ दिखाई दिया। रात अधिक होने के कारण पंचनामा सुबह तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद मामला पंजीबद्ध कर शव को घर वालों को सौंपा जाएगा। दो मिनट पूछे, एक मिनट। क्या नाम है आपका? ये कौन है आपकी? क्या हुआ दीपक भाई? यहाँ 11:30 बजे वो वाहन चारे ले लें डेली आती है, तो हम बकरी चराते हैं, तो हम बकरी लेके घर गए। बच्चे बोली पापा मम्मी नहीं आई अभी, तो उनका बेटा आ गई होंगी, बोली नहीं पापा नहीं आए। उनका चलो देख, कितने बजे? 6:30 बजे। ठीक है, हम देखने आए भैया, तो इतना बड़ा हमारा बच्चा, 6 लड़की हैं, 1 लड़का, इतना बड़ा बच्चा और 13-14 साल की लड़की, हम तीनों जना यहाँ देखे। हमको जो गट्ठा मतलब छोटी टार थी तो बच्चा ले गया था, तो वो आगे आगे अंधेरे में हम लोग सीधे यहाँ से गए देखते हुए इधर सीधे, तो यहाँ से फिर रोड क्रॉस करे हम लोग घर पहुँचे। फिर जब हम लोग को नहीं मिली तो फिर हम लोग आए मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठे किए कि चलो भैया घर के लोग नहीं मिले। फिर सभी लोग आए, पूरे मोहल्ले के लड़के टार चार से लेके बढ़ाई अढ़ाई में देखते रहे। फिर इधर आए तो गट्ठा देखा, और फिर हम लोग ने बोले जब गट्ठा इधर है तो यहीं कहीं हो। हम लोग आए तो हम लोग ने पूरे करीब 15-20 लड़के देखे जाके टार से, तो उधर हमको क्या समझ में आता, कोई दुश्मन उश्मन क्या हो? ये है कि जब हम लोग आए ना कोई बढ़ाई के अंदर से भगा था भैया। अच्छा, था उस समय कोई? हाँ, कोई था। कितने लोग होंगे? एक ही दौड़ लगाया था हम लोग, बढ़ाई के उधर उधर सभी लड़के लटके लेके। चोट उठा कुछ बॉडी पे? क्या है सर? मुंह में खून आ रहा है। अच्छा, और प्लस ये जो अपनी है ना हथेली, हाँ, तो इसकी खाल पूरी निकली है, और वो है कहाँ? हाथ में, ऐसा है। क्या लगता है आपको? पहली बार आए जब तक कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। जब आप दूसरी बार भागा तब अंदर पहुंचे तब वो जीवित थी? नहीं नहीं थी सर। वो हमें ऐसा लग रहा है आशंका, हाँ, कि बलात्कार के साथ हत्या ऐसा लग रहा है। आप कौन? चारा काटने जाती थी उस जगह में आके सर्चिंग करना शुरू की। इस बीच उनके मोहल्ले के बहुत सारे लोग और रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए थे, तो उन लोगों ने सब ढूंढना शुरू किया, तो एक कच्चे रास्ते पे उसके द्वारा जो घास काटी गई थी उसका गट्ठा मिला, और गट्ठे के आसपास जब उन्होंने काफ़ी लाइट वाइट से मोबाइल की लाइट से टॉर्च से ढूंढना शुरू किया, तो करीब 7:15-7:30 के बीच में डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में पड़ी हुई मिली है। अभी उसको प्रथम दृष्टया देख के ऐसा लग रहा है कि उसके चेहरे से मुंह से हल्का सा ब्लड आया है, और आशंका है कि शायद हत्या की गई हो। कंफर्मेशन तो पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। हाथ में कुछ निशान समझ में आ रहा है? हाथ की उसकी स्किन दाहिने हाथ की निकली हुई दिख रही है, जो कि लगता है कि कुछ स्ट्रगल हुआ होगा तो शायद उससे स्किन निकल गई। यहाँ सर हत्या की आशंका है, कहीं और से ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है? अभी तो कहना मुश्किल है कि क्या हुआ होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि डेड बॉडी को कहीं से ला के छोड़ा गया है यहाँ। बाकी तो कल जब दिन होगा, अभी रात में तो संभव नहीं है सर्च करना, यहाँ दिन में जब सर्चिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें हो सकता है कल क्लियर। ठीक है, थैंक यू।